आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने के लिए स्थानीय डीएपीएस स्कूल द्वारा परेड की अभ्यास की गई। इस मौके पर स्कूल संचालक मोहम्मद अली अहमद खान ने बताया कि इस बार झांकी की और बेहतर ढंग से प्रस्तुति की जाएगी। मन में देश की भावना, समर्पण और निशावर के भाव के साथ बाइक परेड आपके सामने से गुजरते हुए और 26 जनवरी की 70वीं रेसिडेंशियल डी ए पी एस सुदीन चौक तत्मा टोली पूर्णिया हर वर्ष एक अनोखे अंदाज में जिस तरीके से इंडिया गेट से दिल्ली के लाल किले तक के लिए जो हमारे देश के जवान बीएसएफ आर्मी इस तरह के सारे कार्यक्रम करते हैं उसी के तर्ज पर पूर्णिया में भी हम लोग चाहते हैं कि पूर्णिया दिल्ली क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग 2011 से लगातार इस तरह के रोड शो का आयोजन देते हैं। भव्य झांकी का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी होता है लेकिन हम लोग पूर्णिया शहर का भ्रमण करते हैं और इस बार भी हम लोग बेहतर तरीके के और भी बेहतर तरीके से कुछ नया नया चीज़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हमारे झांकी में 8 स्टेट को दिखाने का काम किया जाएगा और T90 मिसबा टैंक का मॉडल भी हम पूर्णिया शहर के लोगों को दिखाएंगे। किस तरह से ये टैंक चीन के खिलाफ भारत के लिए गरज रहे थे उस टैंक का भी मॉडल्स बच्चों ने तैयार किया है, वो मॉडल्स भी इस साल झांकी में हम लोगों के चलेंगे। इसके अलावा इसमें नेशनल इंटीग्रेशन बाइक परेड्स होंगे, इस तरह के जो बीएसएफ के जवान जो करते हैं इस तरह की भी बाइक्स परेड्स आपको पूर्णिया के लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग सुबह यहाँ पर 9:15 में झंडोत्तोलन करेंगे, झंडोत्तोलन के बाद 10:30 बजे से हम लोग भ्रमण के लिए निकलेंगे जो पूर्णिया से मैं रजनी चौक अर्घ्या कॉलेज से रजनी चौक होते हुए शिव मंदिर से फिर बारी आठ के अंदर से होते हुए भट्टा के बीचों बीच होते हुए रजनी चौक से फिर पुनः इसी ग्राउंड पर आकर हम लोग इसका समापन को